Welcome back to our channel. I am back with subject English. Yes, children. English में हमने start किया था हमारा term 2 syllabus, जिसमें हमने complete किया हमारा chapter number 8. और आज के English के lecture में हम start कर रहे हैं हमारा new chapter, chapter 9, जिसका नाम है What are these? क्या नाम है? What are these? Question mark. So chapter 9 का नाम है What are these? What हम कब यूज करते हैं? जब हमें किसी से कुछ प्रश्न पूछना हो. What is your name? What are your hobbies? Right children? Yes. आर कब यूज होता है? जब कोई चीजें बहुवचन में हो. जब चीजें बहुवचन में हो. और THESE these, ये तो हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, राइट? आपको याद होगा, राइट? चलिए, अगर याद नहीं है तो हम रिकॉल कर लेते हैं. लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा THIS this, राइट चिल्ड्रन? अगर कोई चीज एक है और मेरे पास है तो मैं क्या वाक्य, कैसे वाक्य शुरू करूंगी? दिस से. दिस इज अ बुक. दिस इज अ बुक. उसका दिस का बहुवचन क्या हो जाता है? दी. दिस का बहुवचन क्या हो जाता है? दी. यस चिल्ड्रन, अगर मेरे हाथ में टू बुक्स है तो मैं कैसे अपना वाक्य स्टार्ट करूंगी? These से. कैसे वाक्य स्टार्ट करूंगी? These से. These are books. These are books. Right? Yes. उसके बाद आपने पढ़ा THAT. अगर कोई चीज एक ही है पर आपसे दूर है तो हम किससे वाक्य स्टार्ट करेंगे? THAT that से. ओके, सपोज वहां पर एक फैन है तो मैं क्या कहूंगी? दैट इज अ फैन. दैट इज अ फैन. दैट का बहुवचन क्या हो जाता है? दोज. दैट का बहुवचन दोज. अगर जो चीजें हैं आपसे दूर हैं पर दो या दो से ज्यादा है तो हम वाक्य किससे शुरुआत करेंगे? दोज से. दोज आर फैंस. दोज आर फैंस. राइट चिल्ड्रन? यस. और दिस और दैट के साथ हमने क्या यूज किया था? आई एज इज. हमेशा क्या यूज होता है? आई एज इज. दिस इज अ बुक. दैट इज अ फैन. दिस और दैट के साथ इज, क्योंकि क्यों? क्योंकि वो एक वचन है. और दीज और दोज के साथ हम वाक्य में क्या यूज करते हैं? कौन सा हेल्पिंग वर्ब? ए आर ई आर. दीज आर बुक्स. दोज आर फैंस. राइट चिल्ड्रन? यस. ये आप सब, ये सारे रूल्स आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में पढ़ लिए थे, राइट? यस. सो आज के इंग्लिश के लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ न्यू एक्सरसाइजेस जो आप अभी सीखेंगे. सो आर यू रेडी? यस. लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे आपको किसकी पिक्चर दिख रही है? यस, थ्री वॉचेस. राइट चिल्ड्रन? अच्छा, अगर मैम आपसे सवाल पूछते हैं कि व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, तो आपको वॉचेस पिक्चर, वॉचेस की पिक्चर दिख रही है. तो अब हम इसका जवाब किस तरीके से लिखेंगे ये आपको सीखना है. सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है? दीज. प्रश्न में क्या दिया हुआ है? दीज. तो जवाब की स्टार्टिंग भी किससे होगी? दीज से. किससे होगी? दीज से. व्हाट आर दीज? दीज आर. दीज आर क्यों लगा रहे हैं? यस, क्योंकि वॉचेस हैं, तीन वॉचेस है, राइट? तो बहुवचन आएगा ना दीज आर. प्रश्न में दीज दिया हुआ है, इसलिए जवाब में भी दीज.
आर का आर। और अब हम क्या लिखेंगे, वॉचेस, दीज आर वॉचेस, दीज आर वॉचेस, फुल स्टॉप। प्रश्न के पीछे हमेशा क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट, ओके। व्हाट आर दीज, दीज आर वॉचेस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपको किसकी पिक्चर दिख रही है, एप्पल्स। कितने एप्पल्स है काउंट करो, 1 2 3 4 5, राइट चिल्ड्रन। तो मैं प्रश्न लिख रही हूँ, व्हाट आर दोस, व्हाट आर दोस। सी चिल्ड्रन, दोस का यूज होता है जब जो चीजें हैं वो हमसे दूर हो, और दीज कब यूज होता है, जब चीजें हमसे पास हो, राइट, यस। अब हम इसका जवाब सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपने सीखा, प्रश्न में दोस है तो जवाब में भी दोस, दोस आर, आर क्यों यूज होगा, क्योंकि एप्पल्स है, बहुवचन है। अगर दिस या दैट होता तो हम इस यूज करते, राइट। दोस आर ए डबल टी एल ई एस एप्पल्स, फुल स्टॉप। व्हाट आर दोस, दोस आर एप्पल्स। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपको किसकी पिक्चर दिख रही है, पैरट्स की। किसकी पिक्चर, पैरट्स की। काउंट कीजिए कितने पैरट्स हैं, 1 2 3 4, राइट। तो मैं प्रश्न लिख रही हूँ यहाँ पर, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, क्वेश्चन मार्क। तो हमने अभी सीखा, प्रश्न में दोस्त तो जवाब में भी दोस्त, प्रश्न में दीज तो जवाब में भी दीज। दीज आर किसकी पिक्चर है, पैरट्स की। तो दीज आर पैरट्स, दीज आर पैरट्स, फुल स्टॉप। ओके चिल्ड्रन, लेट्स रीड इट। व्हाट आर दोस, दोस आर एप्पल्स। व्हाट आर दीज, दीज आर पैरट्स, ओके। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे आपको किसकी पिक्चर दिख रही है, कैट्स की पिक्चर, राइट। किसकी पिक्चर दिख रही है, कैट्स की पिक्चर। लेट्स काउंट हाउ मेनी कैट्स आर देयर, 1 2 3 4 5, राइट। चलिए प्रश्न में लिख रही हूँ, व्हाट आर दोस, व्हाट आर दोस, क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा चिल्ड्रन आंसर, अगर प्रश्न में दोस है तो जवाब में भी दोस, दोस आर cats, 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 full stop। आपने बहुवचन में तो बदलना सीखा ही था शब्दों को, cat, cats, right children, yes। Come to the next example। अभी आपको किसकी पिक्चर दिख रही है, balloons की पिक्चर। किसकी पिक्चर, balloons की पिक्चर। Count it, how many balloons are there, 1 2 2 balloons are there। मैं प्रश्न लिख रही हूँ, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है व्हाट आर दीज, तो आपको जवाब आना चाहिए। प्रश्न में दीज है तो जवाब में भी दीज, दीज आर बलून्स, दीज आर बलून्स, यस चिल्ड्रन, वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। किसकी पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, यस कॉइन्स की, राइट चिल्ड्रन, यस। तो चलिए हम प्रश्न लिखते हैं, व्हाट आर दीज,
व्हाट आर दीज? तो आपको जवाब आना चाहिए, प्रश्न में दीज है तो जवाब में भी दीज। दीज आर सी ओ आई एन एस कॉइंस फुल स्टॉप। अगर सी हमने एस लगाया है यहाँ पे, क्यों एस लगाया है? क्योंकि बहुवचन में बदलने के लिए एस अथवा ई एस हमको लगाना पड़ता है शब्दों के पीछे। तो ई एस हम किस किस के पीछे, रिपीट कर, किस किस के पीछे ई एस हम यूज करते हैं, हमने आपको बहुत सारे वीडियोस में पहले बता दिया है, फिर भी लेट्स रिकॉल इट। ई एस किस किस के पीछे लगता है? एस डबल एस सी एच एस एच एक्स और ओ, इन सब के पीछे क्या यूज होता है? ई एस। अगर ये सब शब्दों अंत में शब्द ये नहीं आते हैं ये सारे शब्द, तो हम क्या यूज करते हैं? सिंपल एस। राइट चिल्ड्रन? यस। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे आपको किसकी पिक्चर दिख रही है? यस, कप्स की पिक्चर जिसमें आप टी या कॉफी पीते हो, राइट? तो मैं प्रश्न लिख रही हूँ, व्हाट आर दोस, व्हाट आर दोस। दोस क्यों यूज किया? क्योंकि कप्स है बहुवचन, राइट? यस। व्हाट आर दोस? प्रश्न में दोस तो जवाब में भी दोस। दोस आर सी यू पी एस कप्स फुल स्टॉप। व्हाट आर दीज? दीज आर कॉइंस। व्हाट आर दोस? दोस आर कप्स। ओके चिल्ड्रन, ओके चिल्ड्रन, लेट्स सॉल्व सम मोर एग्जांपल्स। किसकी पिक्चर दिख रही है यहाँ पे आपको? यस, स्टार्स की पिक्चर जो आप रात को स्काई में देखते हो, राइट? स्टार्स, स्टार्स आर वेरी ब्यूटीफुल। ओके, मैं प्रश्न लिख रही हूँ, व्हाट आर दोस, व्हाट आर दोस। तो आपको पिक्चर दिख रही है, क्वेश्चन में दोस है इसलिए आंसर में भी दोस यूज होगा। दोस आर स्टार्स, दोस आर स्टार्स फुल स्टॉप। दोस क्यों यूज किया गया है? क्योंकि जो स्टार्स है वो हमसे दूर है, राइट चिल्ड्रन? यस। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, किसकी पिक्चर दिख रही है आपको? बेंचेस की पिक्चर जिसपे आप स्कूल में आके बैठते हो, राइट? सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज क्वेश्चन मार्क। सो आपको बेंचेस की पिक्चर ऑलरेडी दिख रही है, प्रश्न में दीज है तो जवाब में भी दीज यूज होगा। दीज आर बेंचेस, बी ई एन सी एच ई एस फुल स्टॉप, बेंचेस। ई एस क्यों लगा? यस, क्योंकि किस किस के पीछे ई एस एड होता है, अभी मैम ने आपको बताया, एस डबल एस सी एच एस एच एक्स और ओ, इन सब के पीछे क्या ऐड होता है? ई एस, नहीं तो नॉर्मली एस। ओके चिल्ड्रन, यस, कीप दैट इन माइंड। ओके, सो इंग्लिश के आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्रश्न में दीज होता है तो जवाब में भी दीज यूज होगा, जब प्रश्न में दोज यूज होता है तो जवाब में भी दोज यूज होगा। ओके चिल्ड्रन, सो इस तरीके से हमने आज स्टार्ट किया हमारा न्यू चैप्टर और हमने पढ़े कुछ उसके एग्जांपल्स। ओके, अब हम मिलेंगे इंग्लिश के हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 9, व्हाट आर दीज की एक्सरसाइजेस। ओके, टिल दैट कीप प्रैक्टिसिंग, कीप मेमोराइजिंग दीज एग्जांपल्स। वी विल मीट सून, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।